माशाल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की जो हमारी न्यू रेसिपी है वो है बीफ मैक्रोनी। तो ये देखें, ये मैंने बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी मैक्रोनी बनती है बीफ की। लोग भी बनाइएगा, मज़े करें, इंजॉय करें। चले अब हम लोग बनाते हैं बीफ मैक्रोनी। के लिए मैंने लिया है बीफ और ये है हाफ के जी मैंने बीफ लिया है और बिल्कुल बोटियाँ ली हैं, इसमें हड्डी वगैरह नहीं है। तो मैं ये डाल दूंगी इसमें प्रेशर कुकर में। तो ये प्रेशर कुकर में चला गया। अब इसमें मैं डालूंगी, अब मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ। 2 टीस्पून नमक जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी का डाला है। प्रेशर कुकर में 5 मिनट की सीटी देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको गलाएंगे और नरम नरम, बिल्कुल यानी कि तोड़ने से टूट जाए उस तरीके से हम इसको ज़्यादा गलाएंगे। तो चलें ठीक है, अब हम मैं इसको बंद करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद आपसे मिलूंगी। तो ये देखें, 5 मिनट की सीटी देने के बाद अब ये सिचुएशन है, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है ये जो पानी है थोड़ा थोड़ा, मैं ये इसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसको निकाल लूँगी। हम जब वो इसके भुनी वोनी लगाएंगे तो पानी डालेंगे तो ये डाल लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दूसरे पतीले में मैक्रोनी के लिए पानी चढ़ा दिया है, ठीक है। और ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं मैक्रोनी डालूंगी। तो ये देखें, मैंने अब इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दिया है एक बर्तन में। और मैं अब इसमें डालूंगी प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज के, मैंने इनको चॉप कर लिया था, अब इसमें चले जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखें, प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, हमारे जो हैं प्याज वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक, ये भी चॉप्ड है, और 1 स्पून लहसुन, 1 स्पून अदरक, ठीक है। तो इसको भी हम इसके साथ ही ब्राउन कर लेंगे। 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा ना जले। और यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम मैक्रोनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने 1 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और टमाटर और हरी मिर्च मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे और मैंने 12 हरी मिर्च ली थी, और इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब ये डाल देंगे हम। अब हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखें माशाल्लाह, हमारा जो मसाला है बहुत ही यम्मी यम्मी तैयार हो चुका है। मैंने इसको 2 मिनट अच्छे से इसको भून लिया, पानी एक एक चम्मच डाल डाल के, जो मैंने यखनी का पानी थोड़ा सा बचा था वही, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें मसाले, वाह वाह क्या बात है। मसाले तो हमारे वैसे भी किचन की जान होते हैं ना, तो इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। हमारा खाना बहुत ही यम्मी और मज़ेदार इनके साथ ही बनता है। तो अब मैं डालूंगी बीफ, अब मैं इसके अंदर डालूंगी बीफ। मैंने इस तरह छोटे छोटे कर लिए थे इसको। अब जाएंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब जो है हम इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से, हमारा मसाला जो है मैंने 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी शिमला मिर्च, मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली थी और इसको अच्छे से जो है मैंने 2 शिमला मिर्च लेके इनको छोटा छोटा काट लिया था। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुका है। हम इसको डाल देंगे मैक्रोनी में। मैंने यहाँ पर मैक्रोनी इसको जो है बॉईल करके, इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको छान लिया था। और ये देखें, ठंडा पानी इसके ऊपर डाला है तो ये बिल्कुल अलग अलग है। तो अब मैं इसके अंदर मसाला डाल देती हूँ, बीफ मसाला, ठीक है। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको दम दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको दम आ चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था। तो अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा। और इसके अलावा आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स भी ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर करें। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी भी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे बताइएगा कॉमेंट्स बॉक्स में। तो अब हम जो है इसको टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कि ये कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिसको कहते हैं ना
ज़बरदस्त वही है। तो चलें ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।